आपको बता दें कि गुरुवार को अखिल भारतीय महिला फाउंडेशन के बैनर तले सैकड़ों महिलाओं ने डूडा विभाग कार्यालय पहुंची और वहां भ्रष्टाचार को लेकर जमकर नारेबाजी की और अपना विरोध जाहिर किया। वहीं राधा चौधरी के नेतृत्व में डूडा विभाग में ज्ञापन दिया गया, जिसमें उन्होंने आए दिन गरीबों को मिलने वाले मकानों को लेकर जो डूडा विभाग के अधिकारी रिश्वत मांग रहे हैं, इसी भ्रष्टाचार को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने डूडा कार्यालय से जल्द भ्रष्टाचार को खत्म करने की मांग की है और गरीबों को आवास दिलाए जाने की मांग की है। वहीं इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए राधा चौधरी ने बताया कि यह डूडा विभाग में जो कर्मचारी और अधिकारी है, वह फोन करके लोगों से खुलेआम लाखों रुपए की रिश्वत मांगते हैं। जो गरीबों के पात्रों के लिए जिनका रहने को मकान नहीं है और एक परिवार में चार चार बच्चे हैं और एक ही मकान में एक ही कमरे के अंदर अपनी गुजर बसर करना है, वो योजना उन तक पहुंचनी चाहिए पात्र तक। लेकिन आज डूडा के अंदर जो भ्रष्टाचार है 50,000 और 40,000, अभी मैंने एक हमारे हैं मिलने वाली, उनसे किसी ने बात की कि 1,00,000 रुपये दे देना, हम अभी इसी वक्त अर्जेंट में तुम्हारा काम करा दें। तो 1,00,000 तक की यहाँ भ्रष्टाचार, तो मैं तो सुनकर बड़े ताज्जुब में हुई। और जो यहाँ उनके नाम प्लॉट भी नहीं है, जगह भी नहीं है और तीन तीन किस्तें पहुँच गई, कहीं इस तरह पर उन्होंने नाम निशान नहीं है। लेकिन जो लोग 50 वर्ग 40 वर्ग जगह भी हैं और आज तक वो लंबी कतार में लगे हुए हैं, उनका नंबर भी नहीं आया। कुछ लोगों का कैसे भी 10-20 हज़ार देकर नंबर भी आ गया, तो वो अब उसमें कि हमारी दूसरी किस्त कब आएगी, तीसरी किस्त कब आएगी। यहाँ आते हैं तो वो चक्कर पर चक्कर लगा कर चले, उन्हें टाल दिया जाता है, अंदर भी नहीं आपने देखा है कि यहाँ ताला डाल दिया। ये इस डूडा की ऑफिस का रवैया है, जो हिटलर शाही रवैया है, इस हिटलर शाही इस ताना शाही इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आज हम NFIW के लोग, हमारे जितने भी जनसंगठन हैं और जितने भी किसान मजदूर हैं, उन तक लाभ नहीं पहुंचाया। और ये भ्रष्टाचार की महिला के नाम तो वो 2.5 लाख की योजना का लाभ पहुंच गया। अभी वृंदावन में जो फ्लैट मुहैया कराए गए हैं गरीबों के लिए, जो इन पर ज़मीन नहीं है, मकान नहीं है रहने को, 1.5 लाख में उनको पति के नाम मकान करा दिया 1.5 लाख रुपये देकर और पत्नी के नाम 2.5 लाख करा दिए। तो ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है योजनाएं। मथुरा के लोग आज जागरूक हो चुके हैं, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और हमारे बहुत पत्रकार भाई भी हैं, ऐसे गरीब लोग हैं, तो उनका भी नंबर नहीं आया, उनका नंबर उनको भी टाला दिया जाता है। और ये लोग कहते हैं कि पत्रकार हमारे बंधे हुए, हमसे तनख्वाह लेते, क्योंकि कुछ लोग अज्ञान लोग हैं, उन्हें पता नहीं है पत्रकार सरकारी होते हैं कैसे होते हैं। तो इसलिए मैं इस पर, तो मैं चाहती हूँ कि ये आर पार की लड़ाई है भ्रष्टाचार के, और डूडा से हम शुरू कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा आज मथुरा जिले के अंदर डूडा पर भ्रष्टाचार पर्याप्त है और लाभार्थियों तक उनकी योजनाओं का, पात्रों तक योजनाओं का लाभ पहुँच रहा है। जय हिंद जय। पूर्व में महिला फेडरेशन ने एक इनको नोटिस दिया हुआ था कि आप लगातार उन लोगों की उपेक्षा कर रहे हैं जिनको कि आज भवन की ज़रूरत है, प्रधानमंत्री आवास योजना की ज़रूरत है, लेकिन इन लोगों ने लगातार ये देखा जा रहा है कि अपात्रों को तो पैसा दिया जा रहा है। ऐसे भी लोग हैं जिनकी सूची हम उपलब्ध करा सकते हैं, जिनके पास अपनी कोई ज़मीन ही नहीं है, लेकिन उनको तीनों किस्तों मिल गई। लेकिन तमाम जो पात्र लोग हैं वो लगातार अप्लाई कर रहे हैं, किसी की पहली किस्त नहीं आई, किसी की पहली आ गई है दूसरी नहीं आ रही है, दूसरी आ गई है तो तीसरी नहीं आ रही है, लगातार बिना पैसे दिए। ये लोग किसी का काम करने वाले नहीं हैं। उसी के संदर्भ में आज महिला फेडरेशन की ओर से यहाँ पर ये प्रदर्शन किया गया है और ये मांग की गई है कि इस सुविधा शुल्क पर रोक लगाइए, जो गरीब हैं ठंड में सुकुड़ रहे हैं उनके लिए आप पैसे का आवंटन कीजिए, उनके खाते में पैसा पहुंचाइए, अन्यथा यहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। उसी के समर्थन में मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से यहाँ के साथ आया हूँ, ये विश्वास दिलाने के लिए कि जो हमारे जनसंगठन काम कर रहे हैं, यदि भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया, पात्र लोगों के लिए धन का आवंटन नहीं किया गया, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और उसके जनसंगठन एक व्यापक आंदोलन यहाँ पर करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और इस अधिकारियों को मजबूर कर देंगे। हम चाहते हैं कि इनके भ्रष्टाचारियों की इनकी जांच होनी चाहिए। हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि नरौली के अंदर कई ऐसे मकान हैं जिनको पूरा पैसा आवंटन हो गया लेकिन मकान आज तक नहीं बना और उनमें शराब की दुकानों के ठेके चल रहे हैं, ये वहाँ पर रेस्टोरेंट चल रहे हैं, बिल्कुल प्रणाम नहीं हुआ है।
तो हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे और जो पात्र लोग हैं उनको डूडा के उपाधन से उनको धन का आवंटन हो।